हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनबी इंटीरियो। मैं हूं श्वेता नंदनकर। आज हम हैं अमनोरा के गोल्ड टॉवर्स में। यहां हम लोगों ने 2 BHK फ्लैट डिज़ाइन किया है, तो देखते हैं। बाहर हम लोगों ने शू रैक बनाया है, एक साइड ड्रॉवर दिया है और बाकी ओपनेबल शटर है जहां हम शू का स्टोरेज दे सके। अब चलते हैं अंदर। ये वॉल हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ा है, इन फ्यूचर हम यहाँ पर पैनलिंग करेंगे। और वेरी इमीडिएट हमारा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर में थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है, नॉर्मल जाली ना लेते हुए हम लोगों ने यहाँ वुडन बार्स डाले हैं, थोड़ा सा जो अलग लुक दे रहा है। और ऊपर साइड में हम लोगों ने एक शेल्फ दे के वुडन टेम्पल रखा है, उसमें गणपति बापा रखे हैं। और जैसे ही एंट्री करते हैं हमारा जो डोर था उसका हम लोगों ने लैमिनेट चेंज कर दिया है। और ये है एंट्री वॉल, यहाँ पर मोल्डिंग डिजाइन किया है और लोअर पैटर्न का मोल्डिंग यहाँ पर लगाया है और बीच में मेटल प्लेट विद LED। चलते हैं अंदर। ये हमारा हॉल है, आप एक व्यू देख सकते हो। हॉल के बीचों बीच हम लोगों ने स्विंग लगाया है जो प्लाई बेस में किया है। और ये है हमारा हॉल, सोफा बैक वॉल, यहाँ पर मोल्डिंग डिज़ाइन किया है लोअर पैटर्न, सो एक फ्लो मेंटेन रहे। पेंटिंग लगाया है और थोड़ा हाईलाइट करते हुए सोफ़ा हम लोगों ने उस कलर थीम में लिया है कि सोफे का कलर थोड़ा उठ के दिखे। बाकी चीज़ें हम लोगों ने साइलेंट रखी है। और सोफे के इमीडिएट हम लोगों ने यहाँ मंदिर प्लान किया है। एक स्पॉटलाइट, बैक पेंटेड ग्लास हम लोगों ने लगाया है मंदिर में और ओम का डिज़ाइन बनाया है। और यहाँ हमारा स्लाइडिंग था जो बिंडल ने दिया था। और यहाँ कर्टन्स लिए हैं विद कलर कॉम्बिनेशन, ब्राउन और थोड़ा ऑफ वाइट कलर का। अंदर टिश्यू साइड का कर्टन है और यहाँ थोड़ा जूट पैटर्न का हेवी कर्टन है, जिससे हमारा हॉल का लुक थोड़ा और हेवी अच्छा लगता है। और ये हमारा टीवी यूनिट जो बीच में आप देख रहे हो, ये हमारा चारकोल शीट है विथ गोल्डन का पैटर्न बना हुआ है थोड़ा सा। एक ग्लास शेल्फ है और नीचे ड्रॉवर्स बनाया है, ड्रॉवर और बीच में जो ओपन बॉक्स दिख रहा है वहाँ हम लोगों ने सेट टॉप बॉक्स के लिए प्रोविज़न दिया है। और साइड में हम लोगों ने यहाँ पर लोवर्स लगाया है, 2 लैंप्स लगाया है। और इस साइड भी वैसे LED का हम लोगों ने प्रोविज़न दिया था लोवर्स के दोनों साइड। और कर्टन को हम लोगों ने हाइट करने के लिए और थोड़ा लेवल मेंटेन के लिए यहाँ पर प्लाई का पैनलिंग दिया है। और वैसे अगर आप सीलिंग पे आते हो, सीलिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप, फैन के आजू बाजू हम लोगों ने स्क्वायर जगह छोड़ा है और आजू बाजू का जगह है उसको हम लोगों ने थोड़ा नीचे लिया है और प्रोफाइल लाइट ऐड किया है 2 लाइन्स में, जिससे थोड़ा अलग लुक दिख के आ रहा है। और वही हम लोगों ने कंटिन्यू किया है डाइनिंग एरिया में। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। पैनलिंग करके हम लोगों ने यहाँ पर मिरर लगाया है जिसमें हम लोगों ने जॉइंट्स पॉलिश किया है, चैम्फर्ड किया है। और दोनों साइड में हम लोगों ने यहाँ पर लोवर्स लिया है और वहाँ प्रोफाइल लाइट लगाया है जिससे लुक और अच्छा खुल के दिखे। एक शेल्फ दिया है और ये हमारा फोल्डेबल डाइनिंग है। चलिए नीचे का बेस देख लेते, फिर मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ ओपन बॉक्स रखा हुआ है 3 लेवल में, जैसे हमें चीज़ें कोई हैंडी चाहिए तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। और ये हमारा क्रॉकरी यूनिट है डाइनिंग का। ये हमारा डाइनिंग टेबल है जो फोल्डेबल है। ये टेबल अभी ओपन कर लिया है, जैसे 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए इतना टेबल इनफ है। जैसे 4 लोग हैं या 6 लोग हैं तो उनके लिए ये ऐसा हम ये फ्लैप ओपन कर सकते हैं। वैसे बेस में भी आप वहाँ देख सकते हो और एक सपोर्ट है लेग साइड में, तो हम उसे भी ओपन कर सकते हैं सो दैट हमको और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा नीचे से। जाता है हमारा डाइनिंग टेबल। और इसके कॉर्नर में जैसे इसका चेयर है, आप देख सकते हैं, मैं आपको चेयर दिखा देती हूँ।
ये हमारा डाइनिंग टेबल का चेयर्स है, ये फोल्ड होता है और फोल्ड करके हमने इसे रखने के लिए भी प्रोविज़न बनाया हुआ है जो बैक साइड में है। इसका फ्लैप ओपन करके यहाँ पर हम चेयर्स अंदर रख सकते हैं। अब चलते हैं किचन साइड। किचन में बेस यूनिट ऑलरेडी बिल्डर की साइड से मिला हुआ था जो वाइट कलर से लैमिनेटेड था, तो हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल चेंज कर दिए हैं, इसको गोल्डन कलर के हैंडल्स लगा दिए हैं। ऊपर साइड में जैसे हम लोगों ने यहाँ प्रोफाइल शटर, गोल्डन प्रोफाइल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए गोल्डन प्रोफाइल शटर लगाया है और यहाँ फ्लूटेड ग्लास दिया है जिससे इफेक्ट और अच्छे से दिखाई देता है। और यहाँ हम लोगों ने ओपनेबल शटर प्यूरीफायर के लिए प्रोविज़न दिया है और यहाँ ओपन बॉक्स रखा है। ऊपर साइड में लॉक दिया है, सीलिंग सिंपल किया है विथ LED। और इस साइड हमारा जो जगह था उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक जैसा स्टोरेज बनाया, नीचे साइड में स्टोरेज दिया है, ओपनेबल शटर, एक ओवन बॉक्स बनाया है, ओपनेबल शटर और ऊपर साइड फिर से लॉक बनाया है। अब हम मास्टर बेडरूम देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा रिच कॉम्बिनेशन है नेवी ब्लू का। और जो वॉल पेंट आप देख रहे हो वो है आयरिश क्रीम कलर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो डिटेलिंग देख लेते हैं। जो भी ये हमारा बेड है, बेड हम लोगों ने हाइड्रोलिक बनाया है स्टोरेज पर्पज़ के हिसाब से, और बेड के बैक साइड में LED दिया है और बेड के आजू बाजू दोनों साइड में हम लोगों ने साइड टेबल बनाया है जो हैंडल लेस है, और ऊपर साइड में हम लोगों ने यहाँ वॉल डिज़ाइन किया है जो मोल्डिंग पैटर्न्स में बनाया हुआ है और पेंटिंग्स ऐड किया है। और दोनों साइड में आप देख सकते हैं मैंने मिरर्स दिया है जो थोड़ा हल्का क्रोम फिनिश में है। इस साइड हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है जो हम लोगों ने वही आयरिश क्रीम में लिया हुआ है लैमिनेट में, और जो हमारा बॉर्डर्स है वो हम लोगों ने थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप में लिया हुआ है, डस्की ब्राउन। ऊपर साइड में लॉफ्ट बनाया है और साथ में और थोड़ा रिच लुक दिखाने के लिए तो हम लोगों ने यहाँ टीपट्टी यूज़ किया है गोल्डन कलर का और हैंडल्स भी गोल्डन कलर का लिया है। और इस साइड अगर हम आते हैं बेड के अपोजिट साइड तो यहाँ हमारा स्टडी टेबल है, स्लिक ड्रॉवर्स दिए हैं, इस साइड कैबिनेट दिया है, ये कैबिनेट दिया है, ओपनेबल शटर शेल्फ दिया है, नीचे साइड में प्रोफाइल लाइट दिया है और वॉल के एंड में यहाँ हम लोगों ने ड्रेसिंग दिया है विथ स्टोरेज। और सीलिंग देखते हैं, सीलिंग सिंपल रखा है, तीनों साइड कोज देखिए वहाँ LED लगाया है, दो पैनल लाइट्स दिया है और जो ब्लैक कलर में आप देख सकते हो वो बॉक्स लाइट है। और कर्टन भी यहाँ हम लोगों ने नेवी ब्लू कलर का लिया है। ये हो जाता है मास्टर बेडरूम। अभी चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। अब चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। कॉमन बेडरूम हम लोगों ने थोड़ा अलग डिजाइन किया है, आप देख सकते हो यहाँ हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बेड बनाया है, नीचे साइड पे पूरा प्लेटफॉर्म पहले क्रिएट करके ऊपर साइड में फिर से हम लोगों ने यहाँ बेड लिया है। रीज़न विंडो का जो हाइट था बिल्डर ने दिया था वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है और हमें बेड से बाहर का व्यू चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों ने बेड थोड़ा ऊपर हाइट पे लिया है। वैसे स्टोरेज हमें पूरा नीचे तक मिला है, बेड हाइड्रोलिक है और बेड के नीचे साइड में यहाँ ड्रॉवर्स भी है सो दैट जगह का प्रॉपर यूज़ हो। और इस साइड बड़े लेंथ का ड्रॉवर है और नीचे LED दिया है, देख सकते हो जैसा बेड बैक के साइड में LED दिया है। और यहाँ का जो थीम था वो थोड़ा ट्रॉपिकल काइंड ऑफ थीम था, तो यहाँ जो वॉलपेपर है वो हम लोगों ने ट्रॉपिकल वॉलपेपर यूज़ किया है। और ये जो स्टडी है, स्टडी में ओपनेबल शटर बनाया है, ओपन बॉक्स बनाया है, शेल्फ प्रोफाइल लाइट दिया है और ये हमारा वर्किंग डेस्क है। यहाँ का जगह यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ
एक ओपनेबल शटर दिया है और एक स्लिक ड्रॉवर, और अपोजिट साइड में यहाँ एक पियानो टेबल दिया है। चलते हैं वार्डरोब साइड। अपोजिट वॉल पे यहाँ हम लोगों ने वार्डरोब प्लान किया है, जो स्लाइडिंग वार्डरोब है। ऊपर साइड में लॉक, और यहाँ का भी सीलिंग हम लोगों ने प्लेन लिया है, प्लेन सीलिंग, बस हल्का सा डिजाइन किया है उसमें। सो ये था कंप्लीट वॉक थ्रू हमारे 2 BHK का। वैसे ड्यूरेशन काम कंप्लीट करने के लिए हमें 4 मंथ लगा, नॉर्मली 3 मंथ्स में हो जाता है, बट बीच में दिवाली था तो दिवाली के कारण हमें 4 मंथ लग गया। और जैसा कॉस्टिंग देखते हैं ओवरऑल वो जो प्रोजेक्ट का, तो 15 लाख तक खर्चा आया हुआ है, और बाकी का जो भी डिटेलिंग है, डिस्क्रिप्शन है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।